हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ। मैं हूँ संदीप, आप देख रहे हैं ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं काफ़ी दिन के बाद में मोटर ब्लॉगिंग किया हूँ। अब छोटा सा मोटर ब्लॉगिंग देख लीजिए। ये मोटर ब्लॉगिंग ज़्यादा दूर का नहीं है, मेरे घर से लेकर के मतलब मेरा रूम से लेकर के मेरा ऑफिस तक, और मेरा ऑफिस से लेकर के मेरा रूम तक कितना टर्निंग लेना पड़ता है, क्या क्या रास्ता में मिलता है, ट्रैफिक में क्या आता है, या फिर कितना फैक्ट्री से कौन सा रास्ता है, आप देख लीजिए। और आते समय मुझे कैसे घूम के आना होता है, ट्रैफिक मिलता है कि नहीं, ये वगैरह भी आप देख लीजिए दोस्तों। और जाने के लिए कितना समय लगता है, आने के लिए कितना समय लगता है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये मेरी ओर से है आप लोगों के लिए, और मैं आपको खासकर सजेशन करूँगा दोस्तों, अगर आप बेंगलोर आना चाहते हो तो मत आइए। अभी मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, अभी मत आइए। अगर आप बेंगलोर पे हो तो घर जाने के लिए सोच रहे हो तो आप जा सकते हो दोस्तों। देखो, अभी हमें खुद का सेफ्टी सोचना है। अभी बेंगलोर पे उतना जितना हम सोचते थे कि पहले सेफ्टी में था, बट अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल होने भी वाला है या फिर हो भी चुका है। तो इसीलिए मैं कहूँगा ना आओ तो बेटर है, अब घर पे रह जाओ। अगर आप यहाँ से घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। और कहने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, बट बी सेफ एंड टेक केयर योर सेल्फ। बाहर मत घूमिए, मास्क लगाइए अगर ड्यूटी जाते हो तो। और मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इन्जॉय दिस वीडियो एंड टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा घर से ऑफिस तक जाने के लिए कितना समय लगता है। तो ये रहा, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, अभी चलेंगे। और हाँ, मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से। आई होप अभी आप सब अच्छे हैं। और ये रहा, मुझे यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। सबसे टर्निंग, सेकंड टर्निंग। आप लोग ये नज़ारा देख पा रहे होंगे, ये सवेरे का नज़ारा होता है यहाँ पे। 10 बजे तक, 11 बजे के बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 बजे के बाद में कल भी था, आज भी है। आदमी बोलता है लॉकडाउन, कोरोना, और यहाँ पे देखे कितना भीड़ है। और ये भी जो वीडियो दोस्तों मैं आपको बिना स्किप हुए दिखाऊंगा, मेरे घर से मेरे ऑफिस तक जाने के लिए कितना समय लगा। और यहाँ पे बैरिकेड है, पुलिस स्टेशन है उनके लिए। ये बस जा रहा है, इनको ओवरटेक करके जाना होगा मुझे। रास्ता सिंगल है यहाँ पे, और यहाँ का रास्ता को काटता रहता है हर बार। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत से रास्ता बनाया हुआ था, ये लोग ने इसे भी काट दिया, ऐसा काट के छोड़ देता है। कहाँ फंस गया, निकल नहीं पा रहा था मैं, फंस गया था बीच में। सो ये रहा, मैं आगे निकलता हूँ। सभी का ऑफिस टाइम है इसलिए थोड़ा भीड़ है, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कुछ टू व्हीलर से है, या फिर कोई ऑफिस बस से, इनकी कंपनी के बस से। कल यहाँ पे काफी सारा भीड़ था, आज उतना नहीं है। आगे सिग्नल पड़ता है, बट मैं लेफ्ट लूंगा। आगे जो पुलिस जा रहा है, मुझे शायद यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये दोनों जो है, चलो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, धीरे धीरे हम जा सकते हैं यहाँ से। ट्रैफिक था, अभी निकल लिया, दोनों अटक गया। मैं सोचा था कि नहीं जाऊंगा, और अभी ऑफिस टाइम है। मैं आपको बताया पहले, बहुत भीड़ होता है, देखिए औरत लोग भी आ रहा है ड्यूटी पे। और ये जो अभी मैं क्रॉस किया, जो टर्निंग लिया, वो एपीसी सर्कल था, जिगनी का बस स्टैंड। और अभी मैं जा रहा हूँ बोमचंद्रा इंडस्ट्रियल रोड पर। ये जिगनी इंडस्ट्रियल रोड है, बोमचंद्रा टू जिगनी को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे देखो, पैदल जा रहा है काफी सारा लोग, क्रॉसिंग करने के लिए भी रुका हुआ है, और बस यहाँ पे खड़ा है। ये सभी कंपनी का बस है। ये रास्ता का दोनों दाया बाया आपको कंपनी मिल जाएगा।
और आप लोग जो कहते हो ना कपड़े का कंपनी, कपड़े का कंपनी यहाँ पे है रिजर्व ग्लोबल ये वाला, और दोनों साइड में सिप्ला मिले, एक साइड में सिप्ला और एक साइड में जो भाई फर्मा है जीबी के वो मिलेगा, सिंधी इंजन आगे मिलेगा। और यहाँ रास्ता के साइड में आपको सब गंदा दिखा दे रहा होगा, ये पहले से पड़ा हुआ था, इसे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और मैं राइट फॉर सिंधी वाइन, और दोस्त आपने देखा होगा मैं पहुंच गया मेरे ऑफिस तक, ये मेरा ऑफिस, मुझे यहीं पे रुकना है। सो मैं इसे निकाल देता हूँ अभी। सो दोस्त अभी निकलते हैं, मैंने ऑफिस से अभी निकला है, अभी 5 हो गया है। सो आपने देखा कि जब मैं ऑफिस आया था तो ऑफिस आते समय मुझे टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था, 4:43 का रास्ता था। अभी मैं शॉर्टकट जा सकता था रॉन्ग रोड लेकर के, बट मुझे मैं सही रोड लूँगा अभी, क्योंकि आजकल रास्ता में ज़्यादा पुलिस वगैरह रहता है, तो मुझे यहाँ से राइट लेना है। और ये जो रास्ता है ये DLF आपको ले जाएगा आगे वाला, और ये वाला जिम्नी। तो देखते हैं अभी कितना मिनट लगता है, रास्ता उतना जाम नहीं है, पता है फिर भी कुछ गाड़ी चल रहा है, बड़ा था। बात ये कि हम दो बार यहाँ पे प्रॉब्लम पे आ गए थे, और एक बार मुझे फ़ोन आ गया था, तो मैंने क्या किया अभी मैं फ्लाइट मोड में डाल दिया, क्योंकि मुझे फ़ोन रिसीव नहीं है, उसको गाड़ी आ रहा है, पहले निकलने का गाड़ी है, चल जाए निकल गया। तो मेरा सिग्नल में लगा हुआ था फिर भी, तो मैं बहुत ठीक है, ये गाड़ी था गलती से मैंने सिग्नल नहीं लगाया, तो अभी देखेंगे गाड़ी नहीं आया, चलो मैं सिग्नल में से दाखिल है, कम भी ऐसे साइकिल है और मैं इनसे सीधा निकलता हूँ। सवेरे देखा था होगा ये रास्ता बहुत ही भीड़ था, अभी खाली है, रीजन ये थी कि सवेरे 10 बजे तक सब कुछ छोड़ा गया और अभी बन गया, अभी पुलिस बड़ा हुआ पुलिस का बड़ी क्या करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सीधा ही निकलते हैं, पहले गड्ढा को डिसाइड करते हैं जिसमें रहते हैं क्या करना होगा। पुलिस का फ्रेंड मुझे ग्राउंडिंग पे है, पेट्रोलिंग ड्यूटी चल रहा है मेरे का भी, सदर यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ रहता है, अभी बंद है बैरिकेड नहीं, गाड़ी घुसा दे रहा है उसको से निकलना, तो काफ़ी रास्ता टूटा हुआ है, और क्योंकि तो सबसे ख़राब रास्ता यही है दोस्तों, सबसे ख़राब और बढ़कर रास्ता, मतलब ख़राब से ख़राब, 10 गुना ख़राब। मेरा कितना पहुँच गया जब नहीं आ सकता,
अभी गाड़ी क्या कर रहा है इसमें। चलो मुझे यहाँ पर ही जो यहाँ से लेना है मैं ले लेता हूँ। दुकान खुला रहता है